नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ इंदौर पधार चुके हैं। वो आज कोकिलाबेन अस्पताल का शुभारंभ करेंगे, यानी कि उसका उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, इस खबर को पूरा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम आपके लिए ये पूरी खबर लेकर आए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मुझे तो आप जानते होंगे, मैं हूं आपका शिवम और आप देख रहे हैं धर्म न्यूज। जैसे कि हम आपको बता दें, बॉलीवुड की महानायक अमिताभ बच्चन मंगलवार को यानी कि आज के ही दिन पत्नी जया बच्चन के साथ इंदौर पधार चुके हैं। वे निपानिया स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली जुड़ेंगे और संबोधित करेंगे। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के अलावा इस कार्यक्रम में शामिल होने अनिल अंबानी और टीना अंबानी भी इंदौर पहुंचने वाले हैं। अनिल अंबानी इससे पहले उज्जैन पहुंचे, यहां उन्होंने महाकाल का अभिषेक किया। इधर इंदौर एयरपोर्ट पर अमिताभ बच्चन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आए। अस्पताल का उद्घाटन समारोह शाम 4 बजे होगा। और हम आपको बता दें कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल इंदौर में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देगा। कोकिलाबेन अस्पताल इंदौर के निर्देशक और प्रमुख डॉक्टर विशाल गोयल ने कहा कि हमारे मुंबई के अस्पताल को क्लिनिकल एक्सीलेंस के अपने उच्च मानकों के लिए लगभग 14 सालों से मान्यता प्राप्त है, जिसने सालों से लाखों रोगियों का विश्वास जीता है। इंदौर में निपानिया में हमारा नया अस्पताल भी यहां आने वाले हर मरीज को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करेगा। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में 10 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 25 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, मॉडर्न तकनीकी और लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट से लैस एक एग्जीक्यूटिव हेल्थ स्कैनिंग कॉम्प्लेक्स है। लगभग 100 डॉक्टरों और 300 से अधिक नर्सिंग स्टाफ और ग्लोबल लेवल के वेस्ट 100 पैरामेडिक्स के प्रतिभावान लोगों की एक टीम अस्पताल में रहेगी। नए कोकिलाबेन अस्पताल की खास बात इसका फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम FTSS है, जो विशेष रूप से अस्पताल से जुड़े समर्पित विशेषज्ञों की आसान उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करता है। कोकिलाबेन अस्पताल में सेंट्रल इंडिया का एकमात्र ऑन्कोलॉजी सेंटर ट्यूमर बोर्ड है। इसके अलावा अस्पताल में अनेक ऐसी सुविधाएं हैं जो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे FMRI और 3D MRI के साथ इमेजिंग और रोबोटिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डुअल एनर्जी 128 स्लाइड सिटी और डिजिटल एक्सरे सिस्टम और टोमोसिंथेसिस के साथ डिजिटल मेमोग्राफी, रोबोटिक आर्थो सर्जरी सिस्टम, उन्नत न्यूरो और ENT और स्पाइन नेविगेशन सिस्टम आदि सुविधाएं शामिल हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह खबर? जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके सभी जगह फैला दीजिए, जिससे कि सभी लोग इस अस्पताल के बारे में जान सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, जिससे कि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।